बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने साफ तौर पर सरकार से ये मांग की कि शराबबंदी कानून को वापस ले लेना चाहिए। उसके बाद देखिए बिहार का सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ने लगा है। जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने साफ तौर पर कहा है और चेता दिया है कि जो लोग इसके पीछे हैं वो अब संभल जाए, क्योंकि सरकार की जो चाबी है वो जैसे जैसे टाइट हो रही है अब विधायकों में बौखलाहट आ गई है। हम बात करेंगे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं। मृत्युंजय जी, जेडीयू एमएलसी का बयान आया, कह रहे हैं विधायकों को ही चेता दिया है साफ तौर पे। तो जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी के विधायक शराब का सेवन करते हैं। बलियावी जी के बयान से तो यही प्रतीत होता है। अब ये कैसा ठन गई है बीजेपी और जेडीयू के बीच में, चूँकि दोनों ने मिलकर के ही एनडीए ने 2005 से 2015 तक गली गली मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव शराब की दुकान खुलवाई थी, लोगों को शराब की लत लगाई थी। और जब हम लोग महागठबंधन में 2015 में आए तो शराबबंदी कानून लागू हुआ, सब लोगों ने शपथ लिया। लेकिन इसके बाद ठीक से शराबबंदी कानून लागू भी था, लेकिन जैसे ही फिर से आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ गए तो शराबबंदी कानून का माखौल किस तरह से उड़ा आप देख लीजिए। शराब माफियाओं का, शराब तस्करों का बोलबाला होने लगा, जहरीली शराब बेचे जाने लगे, लोग पीने लगे, लोगों की जाने जा रही है। अब बीजेपी के कई विधायक कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून वापस लेना चाहिए, तो अब जेडीयू के एमएलसी कह रहे हैं बलियावी जी की बीजेपी के विधायक पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि ये जेडीयू बीजेपी मिलकर के लोगों को पहले शराब पिलवाई, शराब बेचवाई, और अब जब ये कानून हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा अगर कानून बनाए हो तो इसका इम्प्लीमेंट करो, सर जमी पर उतारो, शराब माफियाओं को, शराब तस्करों को पकड़ो, लेकिन ये सिर्फ गरीबों को फंसाएंगे, आम लोगों को परेशान करेंगे, दुल्हन के कमरे में जाकर बिना महिला कांस्टेबल के शराब सर्च करेंगे, और जिनको पकड़ना है उसको पकड़ेंगे नहीं, बड़े अधिकारियों पदाधिकारियों पर, शराब के माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं। तो आम लोगों को आप डराएंगे, दहशत फैलाएंगे, और सरकार के राजस्व को का भी घाटा बिहार को हो रहा है। तो अब बीजेपी के विधायक लोगों की असली जुबान जो मन में थी, दिल में थी, वो जुबान पर आ गई। अब लगातार कह रहे हैं कि वापस बंदी कानून फेल कौन कर रहा है, ये तो स्पष्ट हो गया कि पहले एनडीए के लोगों ने ही शराब बेचवाई, शराब पिलवाई, और अब जो है बीजेपी खुलकर कह रही है शराबबंदी कानून वापस लो। तो अब इस पर आदरणीय नीतीश कुमार जी मुंह खोलिए, और हिम्मत अगर है, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपका, अगर हिम्मत है तो बीजेपी के माननीय विधायक पर कार्रवाई करवाइए, नहीं तो बीजेपी का साथ छोड़िए, या फिर शराबबंदी कानून वापस लीजिए। सिर्फ गरीबों को फंसाने के लिए, आम लोगों को परेशान करने के लिए शादी में आप ये कानून बनाए हैं क्या? क्या आप और बीजेपी मिल करके फिक्सिंग मैच खेल रहे हैं क्या, ऐसा जेडीयू एमएलसी कह रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने आज सुबह ही कहा कि जो बीजेपी विधायक ऐसा मांग करे वो समर्थन वापस ले ले सरकार से, जवाब दिया है जेडीयू एमएलसी ने? देखिए जेडीयू एमएलसी बेचारे अब क्या बोलेंगे, बीजेपी के बैसाखी पर सरकार में है, सत्ता की जो मलाई खा रहे हैं, इनको तो लालच है, सत्ता के लालची लोग हैं। इतना कुछ बोलने के बाद भी ये सत्ता में बने रहेंगे तो बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे, ये बीजेपी भी समझ रही है। तो इसलिए अब जेडीयू एमएलसी जो बात कह रही है ये किसी के भेजा में नहीं आएगा, इस बयान से आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि सीधे बीजेपी के विधायक ने सवाल खड़े किए नीतीश कुमार जी के ऊपर। अब जेडीयू के एमएलसी ये सब बोल करके मामले की गंभीरता को हल्का ना करें, जवाब दें कि बीजेपी के विधायक पर या तो पार्टी नेतृत्व से कहे कार्रवाई करें, और नहीं तो वापस ले मांग। दो दो विधायकों ने कहा है, और पहले भी संजय जायसवाल जी ने भी सवाल उठाए थे, संजय पासवान जी ने उठाए, कई नेता बीजेपी के उठाते रहे हैं। तो आखिर ये नूरा कुश्ती जो दोनों मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता प्यारी है इनको, जनता से कोई मतलब है नहीं, तो जो कह रहे हैं बेमिसाल, तो इन्हीं सब कारणों से हैं बेमिसाल, जिनका कोई नीति सिद्धांत मिलता नहीं है, लेकिन सत्ता के लिए एक है, बाकी सब जगह नीति अलग है।
तो यही है इनका असली खेल, इसी के लिए बिहार को ये कर रहे 15 वर्षों से बेमिसाल। चलिए मृत्युंजय तिवारी हमारा साथ थे। और देखिए जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने आज आलोक मेहता के बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि आरजेडी और बीजेपी मिलकर मैच फिक्सिंग कर रही है, खेल रही है, खेले हमसे हम सबको उससे कोई मतलब नहीं है, जिसका जवाब आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दिया। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान गुरु खान बंगाली। घर बैठे पाएं समाधान, अभी कॉल करें 844-8277-903।